आपने अपने जीवन में कई बार अंतिम संस्कार तो देखा ही होगा, और इस दौरान में ये भी देखा होगा कि जलते हुए लाश के सिर को डंडे से फोड़ दिया जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य है, आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो हिंदू रीति रिवाजों की माने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, और जिसमें से 10 संस्कार तो हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार माना जाता है। और इन 16 रस्मों में से एक रस्म मृत शरीर के सर को भी फोड़ना होता है, और इस विधि को कपाला मोक्षम यानी मोक्षम भी कहा जाता है। और कपाला मोक्षम मतलब जो आत्मा सिर से निकलती है वो मोक्ष को प्राप्त करने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है, और इस विधि को हम कपाला मोक्षम भी कहा जाता है। और हिंदू रीति रिवाजों के अंदर इस तरह के काम को एक तरह की रस्म माना जाता है। और एक बार जब चिता जल जाती है तो तब कर्ता मुखाग्नि देने वाला बांस के डंडे से मृत व्यक्ति की खोपड़ी पर 3 बार मारता है, क्योंकि एक बार में वो आसानी से नहीं टूटती है, इसलिए 3 बार मारते हैं। परंतु जब वो खोपड़ी या कपाली को 3 बार डंडा मारकर तोड़ते हैं तो गर्मी की वजह से वो आसानी से टूट जाती है। और दूसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि आत्मा का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए इसे तोड़ दिया जाता है। धारणा ये भी है कि तांत्रिक लोग उस शरीर के सिर का सुराख में रहते हैं, और जिससे कि आत्मा का दुरुपयोग किया जा सके और उसको प्रभाव में लेकर गलत काम